Hello friends and students, this is the second video, this is the second part of the lesson Deep Water. So in the, if you have not watched the second first part, please visit my channel and watch that video. Now we are going to start the second part. And then strangely there was light. In the previous part, we have studied that he was drawn in the pool, okay, and he has tried three times to bob up on the surface of the pool, but that was in futile, okay. Teen bar wo koshish kiya tha, ab uski halat kya hai dekha jaye. And then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were, my nose was almost out too. अचानक मुझे लाइट दिखाई दिया, मैं बाहर की तरफ आ रहा था. वो भी किस से बाहर आ रहा था? ऑफुल येलो वाटर से. ऑफुल येलो वाटर से मैं बाहर आ रहा था. एटलीस्ट माई आइज वर, मेरी आँखें, ऐसा लग रहा था हाँ मेरी आँखें हैं भी. एंड माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरे जो नाक थे वो भी बाहर थे. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. Okay, then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. इस बार मैं तीसरी बार कोशिश किया. Sorry. In the previous video, हमने दो बार कोशिश किया था वो, और दोनों बार फेल हो गया था. तीसरी बार ये कोशिश कर रहा है. I sucked for air. इस बार मैंने हवा को मतलब अच्छी तरीके से लिया. वो सक सक मतलब तो चूसना होता है, लेकिन यहाँ पर हवा को तो चूसा नहीं जा सकता, बट यहाँ पर वो पानी ही मतलब चेहरा मुंह निकला हुआ है बाहर, जिसको वो क्या कहते हैं, आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर. पानी हवा लेना चाहा लेकिन पानी मिला उसको मुंह में. एंड द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और वो जो पीला कलर का जो लाइट था वो जा रहा था. देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सारी कोशिशें नाकाम हो गई. आई रिलैक्स्ड, मैं आराम कर रहा था. Even my legs felt limp. मेरे पैर जो थे वो अब महसूस कर रहे थे कि हाँ limp हैं, मतलब उसमें energy दिख रहा था थोड़ा बहुत, ठीक है, limp. My legs felt limp and a blackness swept over my brain. लेकिन मेरा जो दिमाग था उस पर अंधकार, मतलब उस पर darkness छा गया था. It whipped out fear. अब वो डर ख़त्म हो गया था. जो डर दो बार मैंने try किया था, दोनों बार डर से मैं जूझ रहा था, लेकिन इस पर डर नहीं था. It whipped out terror. ठीक है, डर भी ख़त्म हो गया था. देर वॉज़ नो मोर पैनिक, अब तो कुछ भी डर नहीं था. इट वॉज़ क्वाइट एंड पीसफुल, खामोश था, शांति थी. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ का डर नहीं था. दिस इज़ नाइस, बहुत अच्छा था. टू बी ड्रॉजी, लेकिन थोड़ा सा ड्रॉजी था. टू गो टू स्लीप, ऐसा लग रहा था कि अब मैं सोने जा रहा हूँ. नो नीड टू जंप, अब मुझे जंप नहीं करना है. टू टायर्ड टू जंप, इतना टायर्ड था कि जंप नहीं कर सकता था. टू टायर्ड टू जंप. He was too tired to jump. That means he was so tired that he could not jump. Okay. It's nice to be carried gently. लेकिन अच्छा था कि आसानी से, नरमी से, gently उस काम को करना था. क्या? कि वो drowsy feel कर रहा था, jump भी करना था, लेकिन अब jump करने का मन नहीं था. उस पर आसानी से वो तैरना चाहता था. To float along in space. ऐसा लग रहा था कि वो space में float कर रहा है, जबकि वो पानी में था. Tender arms around me. मेरे चारों तरफ tender arms. ठीक है, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसा लग रहा था कि मैं अपने माँ के आर्म्स के बीच हूँ मैं. टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, ऐसा लग रहा था कि मुझे सोना चाहिए. आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. मैंने उस ऑब्लिवियन को, उस अंधकार को जो था, मैंने उसको क्रॉस किया, वो जो हालत थी, और ऐसा लग रहा था कि अब ज़िंदगी का जो पर्दा है, ज़िंदगी के जो कर्टन है वो अब ख़त्म हो जाएगा, मतलब मैं अब मर जाऊँगा. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. The next, I remember, I was lying on my stomach beside the pool. मैं लेट गया हुआ, मैं लेटा हुआ था beside the pool. वो भी किसके सहारे? पेट के बल मैं लेटा हुआ था. Lying on my stomach, मैं अपने stomach पर lying. Okay. Vomiting. The chap that threw me in was saying, वो लड़का, chap, वो लड़का जो मुझे फेंका था वो क्या कहा? बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था. समवन सेड द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा कि ये बच्चा तो मर ही जाने वाला था, समझ लो कि नियरली डाइड है.
बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अभी ठीक है, एंड लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, इसे लेकर लोकर रूम की तरफ चला जाए। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, काफ़ी घंटों के बाद मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था, लड़खड़ा रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं बेड पर गया तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मैं चिल्ला रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं खाना नहीं खाया उस रात। फोर डेज, काफ़ी दिनों तक, अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, मेरे दिल में अभी भी वो हॉन्टिंग फियर हॉन्ट कर रहा था, वो डर बार बार हॉन्ट कर रहा था। द स्लाइटेस्ट एग्जर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा भी जो मेहनत कर देता था मैं उससे मैं थक जाता था। अपसेट मी, द स्लाइटेस्ट एग्जर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज़, ऐसा लगता था कि मेरे जो नीज़ थे वो फटे जा रहे हैं, मतलब काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे स्टमक में भी ऐसा लगता था कि मेरा स्टमक भी कमज़ोर हो गया है, सिक, बीमार हो गया है। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, मैं पुल वापस कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से जो डरा तो डरा ही रहा। आई अवॉइडेड इट, मैं पानी को हमेशा अवॉइड किया। वेन एवर आई कुड, जब भी पानी से पाला पड़ा। अ फ्यू ईयर्स लेटर वेन आई कम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, सॉरी, अ फ्यू ईयर्स लेटर When I came to know the waters of the cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool could come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. कुछ सालों के बाद फिर मुझे पता चला उस वाटर्स, उस नदी, उस समंदर के बारे में, वाटर एंड वाटर्स, यू नो, समंदर, द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, कैस्केड्स के पानी, ठीक है, कैस्केड्स का समंदर, ठीक है। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं उसमें भी जाकर तैरना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैं गया, वेदर आई वॉज वेडिंग, जब मैं उसमें से पैर रख कर, मतलब होता ना वेडिंग, पानी से होकर गुजरना, पानी में पैर के बल चलना, वेडिंग, ओके, आई वॉज वेडिंग थ्रू द टीटन और बम्पिंग रिवर और बैदिंग इन वॉर्म लेक, या तो मैं बम्पिंग रिवर में या टीटन में, मतलब पानी के अंदर चलना होता हो, चाहे नहाने की बात हो, इन वॉर्म लेक, कहाँ पर, लेक का नाम याद रखेंगे, वॉर्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, जब भी ऐसा करता था वो जो डर था वो फिर वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कम्प्लीटली, ऐसा लगता था कि वो डर मुझे अपने कब्जे में ले लिया है। आई वॉज पोजेस्ड बाई दैट फियर, ओके। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर जो थे वो पैरालाइज हो गए थे, और वो जो डर था वो मेरे दिल को ग्रेव कर लिया था, पकड़ लिया था, जकर लिया था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, ये जो कमी थी, ये जो हैंडीकैप कमी, जिसको हम लोग शॉर्ट कमिंग बोलेंगे, शॉर्ट कमिंग्स, दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, सालों साल ये जो कमी थी वो मेरे साथ रही। इन कैनोज ऑन मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सलमन, जब भी मैं कैनोइंग के लिए जाता था, कैनोइंग कहते हैं मतलब वो जो एक छोटी सी नदी, छोटी सी जो नाव होती है उसमें जो हम लोग चलाते हैं उसको कैनोइंग कहलाता है। इन कैनोज ऑन मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सलमन, बेस फिशिंग इन अ न्यू हैम्पशायर ट्राउट, फिशिंग ऑन द डेसर्ट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सलमन ऑन द कोलम्बिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स। ओके, दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, इन कैनोज ऑन मैन लेक्स फिशिंग और लैंड लॉक्ड सलमन, इस तरह की जो हैंडीकैप्स थे, जो शॉर्ट कमिंग्स थी, ये मेरे साथ रही जब भी मैं कैनोइंग के लिए जाता था या जब भी मैं फिशिंग के लिए जाता था। कहाँ पर फिशिंग के लिए जाता था, लैंड लॉक्ड सलमन, बास फिशिंग इन द न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेसर्ट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सलमन ऑन द कोलम्बिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स। ये सारे नाम हमें याद रखना है, कौन सा फिशिंग कहाँ कहाँ, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोग का फिशिंग है वो बस फर्स्ट जो हमारा फिशिंग है वो है लैंडलॉक्ड सलमन फिशिंग, ठीक है। ये कहाँ पे है, मैन लेक्स, ठीक है, मैन लेक्स, लैंडलॉक्ड सलमन। फिर दूसरा बेस्ट फिशिंग न्यू हैम्पशायर में, ट्रॉट फिशिंग डेसर्ट्स एंड मेटोलियस में इन ओरेगन, एंड फिशिंग फॉर सलमन ऑन द कोलम्बिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स।
Wherever I went, the haunting fear of water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. क्या हुआ? इस डर से मेरे सारे फिशिंग ट्रिप्स कैंसिल, बर्बाद हो गए. मैं डिप्राइव्ड हो गया, मैं महरूम हो गया. ठीक है, किस चीज़ से मैं डिप्राइव्ड हो गया? मतलब मैं इंजॉय नहीं कर पाता था. किसको? कैनोइंग को, बोटिंग को, स्विमिंग को मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था. किसके वजह से? उस फियर की वजह से. कैनोइंग, सो हियर कैनोइंग का स्पेलिंग आपको याद रखना है, CANOEING. ओके, व्हाइल राइटिंग योर आंसर. I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week and or each day. मैं तंग आ गया था इस फियर से. ठीक है, फिर मैंने पूरा इरादा कर लिया. 1 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर के महीने में मैंने इरादा किया कि मैं किसी इंस्ट्रक्टर को हायर करूँगा और फिर मैं 5 दिन, मतलब हफ्ते में 5 दिन और हर दिन 1 घंटा मैं उससे ट्रेनिंग लूँगा. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. वो इंस्ट्रक्टर मेरे चारों तरफ बेल्ट बांध देता था, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट और एक रस्सी बांधी जाती थी उस बेल्ट से. वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल. ठीक है, थ्रू अ पुली. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ. हम लोग आगे पीछे क्या करते थे, मतलब उसी से तैरते थे. बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, पुल के चारों तरफ हम लोग इस पार से उस पार तक अक्रॉस द पुल. आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मतलब घंटे घंटा आफ्टर घंटा, दिन आफ्टर दिन, मतलब घंटे लगे, दिन लगे, हफ्तों में. क्या हुआ? ऑन इस ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी. जब भी मैं जाता था पुल के उस पार जब भी जाता था तो मुझे पैनिक जो था वो मुझे सीज्ड कर लेता था. इस टाइम The instructor relaxed his hold on a rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. Har bar main instructor ko relax, matlab is time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Jab bhi wo rassi ko dheela karta tha main niche chala jata tha. Some of the old terror returned. Mere jo purane dar the wo wapas mere mujhe aa jate the. Mere pair kya ho jate the? Frozen, jam jate the. It was 3 months before the tension began to slack. 3 mahine के बाद वो जो डर था वो आहिस्ता आहिस्ता स्लैकिंग करना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर. फिर उसने मुझे सिखाया कि अपने चेहरे को कैसे पानी के अंदर रखना है, कैसे एक्सहेल करना है. एंड रेज माई नोज एंड इनहेल, कैसे अपने नाक को बाहर निकल कर इनहेल करना. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 times, 100 बार, सैकड़ों बार मैंने उसको कोशिश किया, प्रैक्टिस किया. बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर. मैंने बहुत कोशिश किया और फिर जाकर मैंने उस, मतलब उस जो पैनिक था वो मेरे अंदर से क्या हुआ. व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, डर का कुछ पार्ट मैंने रिमूव कर दिया, शेडिंग. ठीक है, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विथ माई लेग्स. क्या किया? नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, एक किनारे पर वो मुझे पकड़ लेता था. ही हेल्ड मी एंड हेड मी किक, और मुझे धक्के देता था विथ माई लेग्स, अपने पैरों को. एंड फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट. मैं हफ्तों वो काम किया. एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम. शुरू में मेरे जो पैर थे वो काम नहीं करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो काम करना सीख ले और फिर मैंने मतलब उसमें माहिर हो गया. दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर. दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा करके उसने मुझे स्विमर बना दिया. एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने हर पीस को हर तरीके को सिखा दिया तो फिर उसने ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल. फिर उसने सारे को एक जगह मिलाकर मुझे एक पक्का माहिर स्विमर बना दिया. इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल के महीने में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक. उसने कहा कि जाओ गोते लगाओ और लाइफ को इन्जॉय करो. आई डिड, मैं किया. द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड. इंस्ट्रक्टर फिनिश्ड था बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. इंस्ट्रक्टर का काम कंप्लीट हुआ था, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था. आई वॉज नॉट फिनिश्ड. आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ आई कुड बी टेररिस्ट अगेन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल. आई ट्राइड इट. क्या हुआ? जब भी मैं, मतलब डर से पाला पड़ता था मेरा, जब भी मैं अकेले होता था पूल में, आई ट्राइड इट, मैंने उसको कोशिश किया. आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन. मैंने उस लेंथ को, जो लेंथ वो मुझे सिखाया था, मैंने उसको काफ़ी, मतलब स्विमिंग किया. टाइनी वेस्टिजेज ऑफ द ओल्ड टेरर, वो जो पुराने जो डर थे उसके छोटे, मतलब टुकड़े, वेस्टिजेज, जो बचे हुए जो डर थे मेरे दिल में वो कभी कभी वापस आ जाया करते थे. बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर. मैं उसको झिड़क देता था. फ्रॉन करना मतलब हरका देना, डराना उल्टा. ठीक है, और कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, ए
तुम मुझे डराने आए हो, मतलब टेरर को ये कहता था कि ट्राइंग टू स्केयर मी, ए वेल हियर इज़ टू यू, लो देखो कैसे तुम डराते हो, लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर मैं उस पूल के उस पार चला जाता था। दिस वेंट ऑन टिल जुलाई, अनटिल जुलाई ये चलता रहा, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी मैं मुतमइन नहीं था, संतुष्ट नहीं था, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट एंड आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, ऐसा नहीं लगता था कि सारे डर मेरे अंदर से ख़त्म हो गए, सो आई वेंट टू लेक, मैं फिर लेक पर गया, अब मैं लेक पर प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। वेंट फोर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, मैंने 2 मील की दूरी जो लेक की थी मैं तैरा, आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये सारे नाम याद रखना है, जो तरीका वो सिखाया था, द क्रॉल एक तरीका है रेंगना, ब्रेस्ट स्ट्रोक सीने के बल स्ट्राइक करना, साइड स्ट्रोक किनारे से तैरना, बैक स्ट्रोक पीछे से तैरना। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक दफ़ा आया था वो डर, व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीचों बीच था, आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपने चेहरे को अंदर किया पानी के, फिर मुझे पानी में, मुझे उस नीचे क्या दिखाई दिया, पानी ही दिखाई दिया, एंड द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, और वो जो पुराने जो डर थे, ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, वहाँ पे वेस्टिजेस यूज़ किया गया है, यहाँ पे मिनिएचर यूज़ किया गया है, स्मॉल पार्ट्स को बोलते हैं वेस्टिजेस, स्मॉल पार्ट्स को हम लोग मिनिएचर बोलते हैं, मतलब उस डर का छोटे पार्ट। आई लव्ड एंड सेड, मैंने हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, ओ मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या बिगाड़ सकते हो मेरा, इट फ्लेड, वो भागा, एंड आई स्वेम ऑन, और फिर मैं तैरता रहा। येट फिर भी आई हैड रेसिजुअल डाउट्स, अभी भी कुछ रेसिजुअल बाकी थे, अभी भी शक था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप द टीटन टू कॉनराड मीडोज, अप द कॉनराड क्रिक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ द वॉर्म लेक। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इन टू द लेक एंड स्वेम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, जस्ट एज डव कॉर्पन यूज टू डू, आई शाउटेड विद जॉय एंड गिल्बर्ट पीक रिटर्न द इको, आई हैड कॉन्करड माई फियर ऑफ वाटर। फिर मैं क्या किया, मैं फिर दोबारा एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, मैं वेस्ट की तरफ गया, मतलब जहाँ वो रहता था वहाँ से वेस्ट की तरफ गया, और अलग अलग नाम दिया है, फर्स्ट जो नाम दिया है टीटन, सेकेंड नाम दिया है कॉनराड क्रीक, थर्ड जो नाम दिया है वॉर्म लेक, ये सारी जगहों पे वो गया, वहाँ जाके तैरा, और तैरते हुए उसने एक दफ़ा चिल्लाया खुशी से, ही शाउटेड विद जॉय एंड गिल्बर्ट पीक रिटर्न द इको, जो गिल्बर्ट पीक था चोटी जो, तो गिल्बर्ट पीक, उसने उसके आवाज़ को दोबारा उसको सुनाई दिया, क्या सुनाई दिया, आई हैड कॉन्करड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने हाइड्रोफोबिया पे कंट्रोल हासिल कर लिया है, कॉन्कर कर लिया है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए बहुत डीप मीनिंग रखता है, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट, ये उन्हीं लोगों को पता होगा कि जिनके अंदर बहुत, मतलब किसी चीज़ का खास जो बहुत बड़ा जो डर होता है अगर उनको हो और उस पर वो काबू पा लिए हों, वही इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं, बाकी को समझ में नहीं आएगा कि मैं किस तरह का एक्सपीरियंस किया था डर को। इन डेथ देयर इज़ पीस, वेरी नाइस लाइन ऑफ दिस टेक्स्ट, इस लेसन का सबसे बेहतरीन लाइन है कि इन डेथ देयर इज़ पीस, मौत में सुकून है, देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डर वहीं है जहाँ पर हम मौत से डरते हैं, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट बोला था, क्या बोला था, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हमें ऑल वी हैव टू फियर, हम लोग जो डरते हैं ना सिर्फ डर से ही डरते हैं, डर नाम की कोई चीज़ है नहीं, वो हमारा मेंटली एक सेंसेशन है जो हम डरे रहते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया था मरने का सेंसेशन, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और वो डर, मरने का जो डर है वो मुझे डराए हुआ था, एंड द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और फिर जब जीने की ख्वाहिश हो गई, द विल टू लिव, जब जीने की जो ख्वाहिश हुई, जब जमा हुई, तो वो कैसा हुआ, सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, बहुत ही शिद्दत से जीने की जब ख्वाहिश हुई तो डर ऑटोमेटिक भाग गया, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, आखिरकार मैं अपने आप को रिलीज्ड फील करता हूँ, मैं आज़ाद हो गया उस डर से, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, मैं आज़ाद हो गया, मैं ट्रेल्स को पर जाकर टहलना और चोटियों पे चढ़ना, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और उस फियर को क्या करना,
मतलब रास्ते से हटा देना, जो डर मुझे बचपन से सता रहा था अब वो डर मेरे मुझे नहीं डरा सकता था, क्योंकि अब मैं खुद डर को डराने वाला हो गया था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। आई रिक्वेस्ट यू प्रीवियसली इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो दैट इफ़ यू हैव नॉट वॉच द फर्स्ट पार्ट, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।